हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो गाइस, जैसा आपने कैप्शन देखा, आज का ये जो वीडियो है हम लोग बात करेंगे इसमें टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 2021 BS6 जो वेरिएंट है, जो मॉडल है, उसका पूरा पीरियोडिक मेंटेनेंस के बारे में, इसके सर्विस इंटरवल क्या है, इसमें फ्री सर्विसेस कितनी मिलती है और जो सर्विसेस है उनका कॉस्ट कितना होता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग पूरी डिटेल में आप समझ लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैंने डाला है, काफी डिटेल में बनाया हुआ है, जैसे AdBlue हो गया, DPF हो गया, तो ये सब जो नई टेक्नोलॉजी है आजकल के BS6 व्हीकल में, सारी की सारी मैंने कवर की है। वीडियोस देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनोवा क्रिस्टा BS6 के मेंटेनेंस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोल दूं, ये मैं जो बात करूंगा ये पीरियोडिक मेंटेनेंस है जो आपको हर सर्विस इंटरवल में करना है, ठीक है। ये इतना तो आपका कॉस्ट फिक्स है, इसके बाद का जो होगा, मतलब इतना ही कॉस्ट नहीं आएगा सर्विस का, मैं आपको स्टार्ट में ही बता देता हूँ, ये जनरल सर्विस का कॉस्ट है। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में जैसे रनिंग बहुत ज़्यादा होती है या ब्रेकिंग बहुत हार्ड होती है तो ब्रेक पैड्स वेयर हो जाते हैं, या रफ रोड पर ज़्यादा ड्राइव होता है तो आपको व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग करना पड़ता है, तो ये सब का एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा यूज़ टू यूज़। आज का जो वीडियो है हम लोग इसमें बात करेंगे सिर्फ जो जनरल पीरियोडिक है, हर पीरियड में जो आपको चेंज करना है उसके बारे में पूरा डिटेल में समझ लेते। तो सबसे पहले मैं आपको सर्विस इंटरवल बता दूं, पहले ऐसा था कि इनोवा क्रिस्टा 1000 के बाद 5000 में भी सर्विस में भेजना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है। आपको जो 1000 किलोमीटर का फर्स्ट सर्विस इंस्पेक्शन होता है उसके बाद डायरेक्टली 10000 का इंटरवल आएगा। आप देख सकते हैं 1000, 10000, 20000 एंड सो ऑन। तो जो आपका फर्स्ट फ्री सर्विस होगा वो होगा 1 मंथ या 1000 किलोमीटर, जो भी पहले होगा उस पर आपको वर्कशॉप जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 1000 वाले सर्विस में क्या होता है इसका मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। इसमें गाड़ी का इंस्पेक्शन होता है, जितने भी फ्लूइड गाड़ी में है, जैसे ब्रेक फ्लूइड हो गया, आपका कूलेंट हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन होता है और गाड़ी बहुत अच्छे से क्लीन और वॉश करके आपको हम लोग वापस दे देते हैं। इसके बाद जो सर्विस होगा वो होगा डायरेक्टली 10000 किलोमीटर्स पे। तो अब 10000 किलोमीटर में हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या चेंज होगा। यहाँ पे मैं आपको R बता दूँ, R स्टैंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले इनोवा क्रिस्टा जो 2.4 लीटर डीजल है BS6 नया वाला, उसमें मैं आपको बता दूं 7.5 लीटर जो है आपका इंजन ऑयल चेंज होगा। अब ये जो ऑयल चेंज होगा उसका पर लीटर का प्राइस है 519, तो आप यहाँ पे उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको एग्जैक्ट प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो 519 में ऑयल मिल रहा है आपको, ये नॉर्मल ऑयल नहीं है, ये आपको मिनरल ऑयल नहीं है, 519 MRP पे आपको पर लीटर मिल रहा है सिंथेटिक ऑयल, जिससे गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब ये टोयोटा मोटर सिंथेटिक ऑयल है, कहीं से बाहर से आया हुआ ऑयल नहीं है, जो टोयोटा इदीमित्सू के साथ जॉइंटली डेवलप करता है। दूसरा मैं आपको बता दूं, इंजन ऑयल फिल्टर रिप्लेस होएगा 10000 किलोमीटर की सर्विस पे। तीसरा आपको बता दूं मैं, गैस्केट ऑयल ड्रेन प्लग। अब इंजन ऑयल फिल्टर 440 रुपए का है और गैस्केट ऑयल ड्रेन प्लग जो है वो 60 रुपए का है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, विंडशील्ड, जब आप विंडशील्ड यूज़ करते हैं तो एक फ्लूइड आता है, वो फ्लूइड के दो सैशेट जाएंगे, एक सैशे आपको पड़ेगा 35.50 रुपीज़ का, ये भी रिप्लेस होगा। अब इसके बाद अगर आप देख रहे हैं जो एयर फिल्टर है, एयर क्लीन फिल्टर, ठीक है। अब ये जो फिल्टर है यहाँ पे इंस्पेक्शन होगा, रिप्लेस नहीं होगा। अगर ऐसा लगा कि ज़रूरत पड़ रही है एयर फिल्टर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करना पड़ेगा, और एल्स यहाँ पे सिर्फ इंस्पेक्शन होगा, ठीक है। इसका रिप्लेसमेंट कब है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके अलावा 10000 किलोमीटर पर और कुछ भी नहीं होगा। अब जो 10000 का टोटल यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है, जैसे 519 का 1 लीटर ऑयल है, तो ये सब ऐड करने के बाद टोटल आ रहा है आपको 4465 रुपीज़, ये MRP है। अब इसमें आप देख सकते हैं जो लेबर है, लेबर कुछ भी नहीं लगेंगे, लेबर फ्री है, क्योंकि इनोवा में या टोयोटा की कोई भी गाड़ी में फर्स्ट 3 सर्विस आपको फ्री आती है, ठीक है। फर्स्ट सर्विस आपकी आएगी 1 मंथ 1000, सेकंड सर्विस आएगी 12 मंथ और 10000 किलोमीटर, थर्ड फ्री सर्विस जो आपकी आएगी वो 24 मंथ्स या 20000 किलोमीटर की आपको आ जाएगी। तो आपको फाइनल अमाउंट जो पे करना है वो 4465 रुपीज़ ही होगा। इसके अलावा अगर कुछ एडिशनल आप करा रहे, पॉलिश हो गया, डिटेलिंग हो गया, तो उसका डेफिनेटली एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं जो आपका थर्ड सर्विस है, थर्ड सर्विस आपका होगा 24 मंथ्स या 20000 किलोमीटर्स, जो भी पहले होगा उसमें, उसमें भी अगर आप देखेंगे इंजन ऑयल वगैरह जैसे रिप्लेस हो रहा था, रिप्लेस होगा और एयर फिल्टर का इंस्पेक्शन होगा। अब जो AC फिल्टर है, एयर कंडीशनिंग फिल्टर, उसका रिप्लेसमेंट यहाँ पे एक एडिशनल बढ़ जाएगा, जो आपको हर 20000 किलोमीटर के सर्विस पे करना है। अब उसका मैं आपको कॉस्ट बता दूँ, जो है 1876.50 रुपीज़, ये भी MRP है।
तो अब अगर आप देखेंगे इसका भी लेबर फ्री है क्योंकि ये थर्ड आपकी फ्री सर्विस है, और क्योंकि एसी फिल्टर चेंज हुआ है यहाँ पे जो 4465 था वो बढ़ के हो गया 6341, और 6341 आपको जो है वो टोटल कॉस्ट सर्विस का पे करना है। अब आपका फ्री सर्विसेज जो है वो ख़त्म हो गया, फ्री सर्विस यानी कि लेबर फ्री सर्विस थी, जो पार्ट्स का प्राइस है वो तो आप भर ही रहते। अब थर्ड ईयर यानी कि 36 मंथ्स और 30,000 किलोमीटर का सर्विस आ गया। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक का सारी चीज़ें विंडशील्ड फ्लूइड तक का सेम थी, रिप्लेस हो रहा था। अब यहाँ पे जो इंस्पेक्शन हो रहा था एयर फिल्टर का, 30,000 का इंटरवल है आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर जो है वो रिप्लेस होगा। अब एयर फिल्टर का 1787 रुपीज़ है वो यहाँ पे एडिशनल हो जाएगा, और अब आप जो पे करेंगे वो 6252 रुपीज़ टोटल जो पार्ट्स चेंज हुए उसका पे करेंगे, और 3,310 रुपीज़ आप पे करेंगे। ये 3,310 रुपीज़ जो है ये आपका आप पे कर रहे हैं लेबर। तो अब जो टोटल बिल हो गया वो आपका हो गया 9561 रुपीज़। तो यहाँ तक होपफुली आपको सब क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ सर्विस की। अब ये जो फोर्थ या फिफ्थ बोल लीजिए आप 1000 किलोमीटर की सर्विस को पकड़ के, अब ये जो सर्विस है ये 40,000 किलोमीटर की सर्विस है, इसमें मेजर सर्विस होता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिप्लेस होती है। अब ये विंडशील्ड फ्लूइड तक का तो सब कॉमन है, अभी आपने पिछली सर्विस में एयर फिल्टर डाल चुके हैं तो इसका वापस से यहाँ पे इंस्पेक्शन हो जाएगा, अब डालना नहीं है क्योंकि इसका जो इंटरवल था वो 30,000 किलोमीटर का था। अब एसी फिल्टर जैसा आपने 20,000 पे चेंज किया था, यहाँ पे 40,000 हो गया, तो यानी कि इसका भी 20,000 हो गया, इसे आप रिप्लेस करेंगे। अब सुपर लाइफ लॉन्ग कूलेंट 319 रुपये लीटर है, 9.1 लीटर टोटल लगता है, इसका भी यहाँ पे इंस्पेक्शन होगा। मैं आपको बता दूं टोयोटा का जो कूलेंट आता है ये 1,60,000 किलोमीटर तक चलता है, इसको रिप्लेस करना नहीं पड़ता है। ये जैसे लिक्विड है मान लीजिए अगर इवोपरेट हो गई तो इसका टॉपअप होगा सिर्फ, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। आपको काफ़ी सारी जगह में चालू इंजन में बोला जाता है कि अरे आपका कूलेंट कम है, पेट्रोल पंप वगैरह में आप फिल कर लो, तो प्लीज़ ऐसी जगह पे कूलेंट कभी भी फिल मत करिए। कूलेंट को चेक करने का सही टाइम होता है सुबह के टाइम जब आपने इंजन स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करते तो सिस्टम में कूलेंट चले जाता है और आपको फिर ऐसा लगता है कि कूलेंट कम है, लेकिन कूलेंट गाड़ी में बराबर रहता है। और अगर आप आफ्टर मार्केट कूलेंट मिक्स कर देंगे तो आपको ये पूरा 9.1 लीटर जो 1,60,000 किलोमीटर पे चेंज होना था आपको पहले ही उसे चेंज करना पड़ेगा। तो कभी भी कूलेंट आप बाहर से टॉपअप मत करिए, क्योंकि टोयोटा जो कूलेंट दे रहा है वो काफ़ी अच्छी लाइफ के साथ दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ जाएगी, आपका ब्रेक फ्लूइड जो दो पैकेट लगेगा 250 ml का, 172 रुपीस का एक पैकेट आएगा। डिफरेंशियल ऑयल यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लगेगा आपका जो उसका क्वांटिटी है कंटेनर का, और इसमें आपको टोटल 392 रुपीस का एक क्वांटिटी आएगा, बाकी तीनों का आपको ऐड करके मैं बता दूंगा कितना रुपया हो रहा है। और लास्ट में गैस्केट प्लग है जो 50 रुपीस का आएगा, दो वो चेंज करना पड़ेगा। तो 40,000 का अगर सर्विस देख लो आप तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे रिप्लेस हो रही है, जिस वजह से जो आपका पार्ट्स का चार्ज है वो हो गया 7962 रुपीस, लेबर हो गया आपका 3876 रुपीस, और टोटल आपको जो पे करना है वो 11,838। अब ये जो सर्विस थी ये मेजर थी, इसलिए यहाँ पे जो आप बिल देख रहे हैं वो 11,838 है। अब मैंने आपको 10,000 से लेके 40,000 तक का सारा सर्विस का चीज़ बता दिया, अब ये वापस से 80,000 किलोमीटर तक का सेम चलेगा, आप समझ रहे, और ये फिर उसके बाद 1,20,000 तक का सेम चलेगा। तो इसके आगे का मैं आपको बता रहा नहीं हूँ। अब मैं आपको 1,00,000 किलोमीटर तक का टोटल जो ये सारी सर्विसेज है मैंने ऐड किया है उसका टोटल अमाउंट हो रहा है 10 सर्विसेज का 90,115 रुपीज़। सो अप्रॉक्सीमेटली एक साल का आपको जो सर्विस का पे करना है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा में वो 9,000 रुपीज़ ही है, जो काफ़ी कम है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इसमें मैं आपको एक पैकेज बता देता हूँ सर्विस का जो टोयोटा का आता है AMC जिसे कहते हैं, वो है आपका स्माइल पैकेज। तो अगर मैं स्माइल पैकेज की बात करूँ, आपको स्माइल पैकेज टोयोटा में जैसे आपको लेना है तो आप ले सकते हैं 1 year 10,000 किलोमीटर का या 1 year 20,000 किलोमीटर का। तो ऐसा 1,00,000 एक साल में जितना भी किलोमीटर्स आपको लग रहा है आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अगर आपका आपको ज़्यादा लेना है तो अप टू 3 years भी आप ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सेफ रहता है हमेशा 3 years और 30,000 किलोमीटर का आप सर्विस पैकेज ले सकते हैं। अब ये सर्विस स्माइल पैकेज जिसको बोलते हैं, इसका एडवांटेज ये है कि ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है। ठीक है, सपोज आज आपका बिल हो रहा है 10,000 रुपये,
ये सारे स्माइल पैकेज का, तो इसमें आपको अराउंड 10-20% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी सेविंग हो जाती है। और अगर आप स्माइल पैकेज लेते हैं तो इसमें एक एडवांटेज ये भी आता है, जो भी डिटेलिंग वगैरह करते हैं या आप व्हील अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग करते हैं तो इसमें भी काफ़ी अच्छा आपको डिस्काउंट मिल जाता है। और ये स्माइल पैकेज का अब जो है एक्सेप्टेंस पैन इंडिया है, पहले ऐसा था जो डीलर से आप ले रहे हो वहाँ पर आपको सर्विस करना पड़ेगा, बट अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया स्माइल पैकेज जाके यूज़ कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें सबसे अच्छा एडवांटेज स्माइल पैकेज का ये है कि आप स्माइल पैकेज आज ले रहे हो, जैसा आज मैंने बताया ऑयल का जो प्राइस है 519 रुपीज़ लीटर, कल को अगर ऑयल का प्राइस 600 रुपया भी हो जाता है तो आपको बढ़ा हुआ प्राइस नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एडवांस में स्माइल पैकेज जो है वो परचेस कर लिया। सो होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी, रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करिए, मैं उसका भी आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच।